जैसे कि बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 3 में लिखा है कि कैसे परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने लंगड़े को चंगा किया और उसी सामर्थ ने इस भाई के जीवन में काम किया। तो आइए देखते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सारा ने जय मसीह दी। मेरा नाम सुखजिंदर सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर का रहने वाला हाँ। अज तो 3 साल पहला मैं ते मेरी वाइफ अपने किसी रिश्तेदार को जा रहे सी, तो हाईवे दे कोल जाके बाइक की रफ्तार जड़ी बहुत तेज़ हो गई, वो कंट्रोल तो बाहर हो गई, तो बाइक जाके सीधी डिवाइडर दे विच वज गई। जदों बाइक डिवाइडर दे विच वजी तो बाइक का वजन सारा मेरी सज्जी लत दे उपर पै गया, तो मेरी लत जड़ी सारी लहू लुहान हो गई। साडा एडा भयानक एक्सीडेंट होया कि सारे उत्थे लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने सानू चुक के होस्पिटल लैके गए। उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब सी, सज्जी लत की हड्डी टुट के बाहर आ चुकी सी। डॉक्टर ने मेरी इन्नी भयानक हालत नू देख के ते मैनू दूसरे होस्पिटल रैफर कर दिता। जदों असी दूसरे होस्पिटल गए तो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह किए तो उन्होंने देखा कि हड्डी जड़ी टुट के चूर हो गई है। फिर डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करके लत दे विच सुराख करके पक्का ही सिकंजा ला दिता। स्टील वाला सिकंजा मेरी लत ते 1.5 महीना लगा रहा। जो आप 1.5 महीने बाद जो आप दोबारा होस्पिटल गए, डॉक्टर ने स्टील का सिकंजा उतार के दोबारा ऑपरेट करके डॉक्टर ने मेरे बखी दे विचों हड्डी का पीस कढ के वो लत दे विच पा के दोबारा वड्डा सिकंजा ला दिता। मेरी सज्जी लत दी हड्डी चूर चूर हो गई सी, जिदे करके डॉक्टर बार बार सिकंजा ला रहे सी पर वो सैट नहीं हो रही सी। जदों डॉक्टर ने सिकंजा 2 बार लाने तो बाद देखा कि हड्डी नहीं जुड़ी, उन्होंने मैनू आर्टिफिशियल बूट जिहड़ा हैंडीकैप बंदे नूं पाउंदे ने वह डॉक्टर ने मैनू पवा दिता। जाने कि मैं तो कभी सोचा भी नहीं सी कि मैनू ए वाले संकट दे विचों लंघना पएगा। आर्टिफिशियल बूट मैं हर टाइम पा के रखता सा, तो मैं सिकंजे के सहारे ही तुरदा सा। बिना सिकंजे तो मैं बिल्कुल नहीं तुर सकता सा, और लैटरिंग बाथरूम भी मैं सिकंजे के नाल ही जाता सा। आर्टिफिशियल शूज जिहड़ा सी मैं सज्जी लत्त 'च पा के रखता सा, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब सी। उस तो बाद असी फिर किसी होर होस्पिटल गए तो आप डॉक्टर को दोबारा चैक कराया, तो वो डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेट दस दिता। फिर आप दोबारा डॉक्टर ऑपरेट कराया पर वो भी ऑपरेट जिहड़ा नहीं सैट बैठा। इस तरह मेरी सज्जी लत्त दे 5 बार ऑपरेशन होए, घट तो घट मैं 12 डॉक्टर चेंज कर चुका सी, 13 लाख रुपया ला चुका सी, पर फिर भी मैं चल नहीं सी रहा। इस तरह मैं पूरा बैड ते चला गया सा, वो टॉयलेट बाथरूम मैं बैड दे उपर ही करदा सी, खाना पीना भी मेरी वाइफ मैनू बैड दे उपर ही दिंदी। जदों मैं पूरी तरह बैड ते चला गया सी ते जदों मैं अपने घरदियां वल देखदा सी ते मैनू इंज लगदा सी कि मैं अपने घरदियां उपर बोझ बन गया। मैं सोचदा सा कि इतना चंगा ते मैं मर ही जांदा, कि मैं सोचदा सा कि मेरे दिमाग दे विच यही चलदा रहिंदा सी कि मैं कदी ठीक नहीं होणा, कि साडे घर दे हालात भी बहुत ज़्यादा माड़े हो गए, क्योंकि मैं ही घर विच कल्ला कमाउण वाला सी, ते मैं ही अपने बच्चों की देखभाल करन वाला सी। मैनू अपने बच्चों देख के इस तरह लगता सी कि मैं अपने घरदियां ते बोझ बन गया। इदां मेरे हालातों नूं देख के एक दिन मेरे गुआंढी मेरे घर आए तो उन्होंने मैनू कहा कि तुसीं खांबड़ा चर्च जाओ, तुसीं उत्थे ठीक हो जाओगे। फिर साडे गुआंढियां दे कहण ते मेरे घर दे 13 फरवरी 2022 दे विच मैनू खांबड़ा चर्च लै के आए। उस दिन मैं पहली बारी खांबड़ा चर्च विच आया, तो मैनू व्हीलचेयर ते बिठा के एमरजेंसी सैक्शन दे विच लै के गए। उस दिन मैं खांबड़ा चर्च दे विच आ के जदों मैं गवाइयां नूं सुनिया, जदों मैं देखिया कि लंगड़े चल रहे ने, तो मैं भी सोचा कि जे ये लोग चल सकते हैं तो मैं भी खुदा दे घर आ के मैं भी चल सकता। उस दिन परमेश्वर दे दास ने रोगियों लई सिकंजियां वाले लई खास प्रेयर की। मैं आपको फिर से आत्मा की सहायता बोल रहा हूँ, उठो और खड़े हो जाओ, उठो और खड़े हो जाओ, व्हील चेयर के रोगी शिकायत करो, उठो और खड़े हो जाओ, कमांड कर दो खड़े हो जाओ, रिलीज कर दो फाइल को उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में और खड़े कर दो उन्हें। जिदा ही वो प्रार्थना मेरे कन्नां विच पई और मेरी लत दे उपर ऑयल लगाया गया, उस टाइम मेरा शरीर बहुत गर्म जिहा महसूस होया ते मैं खड़ा हो गया और मैं सिकंजे नूं और व्हीलचेयर नूं छड के चल के देखिया ते मैं चल पा रहा सी। जदों मैं अपने आप नूं चलदा देखिया ते मैनूं उस टाइम विश्वास होया कि यीशु मसीह जी जिंदा परमेश्वर ने।
उस टाइम मैं गवाही देने लिए पुलपिट के अगे गया। हालेलुया, ये मेरे बिगेस्ट टेस्टिमनी है भाई। आज पहली बार प्रभु के घर में आया। कहते हैं कि 3 साल पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। आप इनकी टांग को देख सकते हैं, 5 ऑपरेशन हुए। शिकंजे के सहारे चलता था, लेकिन आज जैसे आपने बोला कि शिकंजे के लोग शिकंजे छोड़ो, उठो, चलो फिरो, तभी खुदा की आत्मा ने छुआ। 5 ऑपरेशन फेल, लेकिन खुदा की आत्मा ने आज पास किया है और चलने लगा है। उस दिन तो बाद मैं पूरी तरह चल सकता हाँ। मैनू कोई आर्टिफिशियल बूट की जरूरत नहीं है, ना ही किसी शिकंजे की जरूरत है, किसी व्हीलचेयर की लोड़ नहीं। मैं खुद अपने आप चल सकता हूँ। उस तो बाद मैं अपने आप चलदा वा, टॉयलेट बाथरूम भी मैं आप जाना, मैनू किसी भी सहारा लैन की लोड़ नहीं। हूँ मैं पूरी तरह ठीक हाँ, तो मैं अपने परिवार में पूरा आनंदित हाँ। मैं उन्होंने लोगों को अज भी ये कहना चाहना कि जो बीमार ने वो यीशु मसीह जी जानन और उन्होंने विश्वास कर, मैं पूरा विश्वास है कि वह भी मेरी तरह चंगे हो जाएंगे। मैं इस वड्डी चंगाई लई प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हाँ और प्रभु दे दास का भी धन्यवाद करता हाँ। सारे नूं जय मसीह जी। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।